कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन में आने वाले हैं। राजस्थान को लेकर अगले महीने खड़गे बड़ा फैसला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान कांग्रेस में जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हो जाएगी। इस बार खाली पड़े कुल पदों में से आधे पदों पर युवा नेता नियुक्त किए जाएंगे, यानी इन्हीं नियुक्तियों से राजस्थान कांग्रेस की आगे की सियासत की तस्वीर भी साफ होनी है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी पर पकड़ बनाने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच एक बार फिर से रस्साकशी का खेल देखने को मिल सकता है। 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालने जा रहे हैं। इसके बाद 2.5 साल से खाली चल रहे जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के पदों के अलावा इस बार हर 25 बूथ पर एक मंडल बनेंगे। राजस्थान कांग्रेस में एक मोटे अनुमान के मुताबिक चुनावी साल से पहले 1 लाख नेताओं को किसी न किसी बहाने संगठन में पद दिए जाने हैं। ऊपर से नीचे तक के पदों के लिए ये नियुक्तियां होनी हैं। कांग्रेस में फिलहाल सभी 400 ब्लॉक अध्यक्षों के पद खाली पड़े हैं। केवल 13 जिलाध्यक्ष ही फिलहाल काम कर रहे हैं, बाकी जिले खाली हैं। ऐसे में सबसे पहले जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके बाद मंडल और बूथ कमेटियों में भी बड़ी संख्या में नेताओं को शामिल किया जाएगा। इन नियुक्तियों में विधायकों की राय को भी तवज्जो मिलना तय माना जा रहा है। 2020 में सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त जुलाई 2020 में कांग्रेस के टॉप टू बॉटम सभी पदाधिकारियों को हटा दिया गया था। सभी अग्रिम संगठन समेत जिला ब्लॉक कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई थी। तब से प्रदेश कार्यकारिणी को छोड़ पूरा संगठन ही बिना पदाधिकारियों के ही चल रहा है। नियुक्तियों की खबर की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदेश में सियासी हलचल भी बढ़ रही है। पायलट खेमे और गहलोत गुट के नेता सक्रिय हो चुके हैं ताकि पद पाने में कहीं पीछे न रह जाएं। राजनीतिक नियुक्तियों की लिस्ट तैयार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर में राजस्थान पहुंचने वाली है। इस यात्रा के पहुंचने से पहले सरकार और संगठन दोनों सक्रिय हो चुके हैं। जनता के लिए सरकार बड़े बड़े ऐलान कर रही है। प्रशासनिक अमला राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों में जुट चुका है। माना जा रहा है राहुल गांधी के राजस्थान आने के बाद कुछ बड़ा सियासी घटनाक्रम भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।